हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा का हमारा क्लास हमने कंटिन्यूसली स्टार्ट किया है। इसका फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा। उसका नियम जो पढ़े थे, वेक्टर एडिशन पढ़े थे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आज आप सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें आपको एक बार बेसिक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो पूरे क्वेश्चन उसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। ओके, स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले आप क्वेश्चन की रीडिंग करो बहुत ध्यान से, और यहां पर देखो कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी का मध्य बिंदु, ठीक है, यहां पर मैं फिगर ड्रा कर रहा हूं उसका। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस ए सी इक्वल टू टू ए डी। ओके, तो यहाँ पर आपको इस ट्राइंगल के लिए प्रूफ करना है, इस त्रिभुज के लिए आपको सिद्ध करना है। इंग्लिश में आप इसका स्टेटमेंट पढ़ो, देखो क्या लिखा है। इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, प्रूफ दैट ए बी प्लस ए सी इक्वल टू टू ए डी। तो इस तरह के क्वेश्चन की जो आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कंप्लीटली, इसमें आप ध्यान रखना कि ज्योमेट्री के थ्योरम पर बेस्ड होते हैं ये, और इनको हमको सदिश योग के नियम की सहायता से बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम एक ट्राइंगल बना ले। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी, इसमें चलिए छोड़ो इसको, इसमें टूल यूज करने से टाइम वेस्ट होगा। यह है एक त्रिभुज एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है, और यहां पर क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु डी है। यह बीसी है और बीसी का यह मिड पॉइंट है। यह मिड पॉइंट आप सपोज कर लिया हमने यहां पर डी, ये मिड पॉइंट है, और हमने इस पर इसका लंब डाल दिया, ये क्लियर, या हमने सीधा इसको मिला दिया। यहां पर परपेंडिकुलर नहीं है ये, डी इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। अब हमको यहां पर सिद्ध करना है कि ए बी प्लस ए सी इक्वल टू टू ए डी। ये ए बी है, ये ए सी है, और हमको इसको प्रूफ करना है किसके, टू ए डी के। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हमको सबसे पहले ट्राइंगल लगाना है। अब यहां पर देखो, ये जो भुजा है इसको इसके बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो बी और सी, अभी हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको बेसिक क्लियर करने के लिए मैं करा रहा हूं। तो डी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये आप देख रहे हो, दूसरा ट्राइंगल ये देख रहे हो। तो दोनों त्रिभुज में क्या करते हैं, हम सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाते हैं। तो इन ट्राइंगल, हम ट्राइंगल ले लिए क्या, ए बी डी, ए बी डी ये ट्राइंगल हम ले लिए। तो इस ट्राइंगल में यदि हम वेक्टर एडिशन लगाएं तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी इक्वल टू क्या होगा, ए डी, ए बी प्लस बी डी इक्वल टू क्या होगा, ए डी। आपने मेरा पहला वाला क्लास अटेंड किया होगा। ध्यान रखना, यदि आप बेसिक चीज़ों को तैयार किए भी आएंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सबसे पहले आपको बोल रहा हूँ कि आपको सीक्वेंस में पढ़ना है मैथमेटिक्स को। ये कैसे हुआ, मैंने ट्राइंगल नाम में इसके पहले वाले क्लास में लिया था, ये मैंने दे दिया इसको सपोज रिलेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अगेन अब अपने पास एक और ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल क्या है, ये वाला ट्राइंगल ए सी डी। तो ट्राइंगल ले लिया मैं क्या, ए सी डी। इस ट्राइंगल में हम ले लिए ए सी, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ए बी और ए सी का सम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लिए, ए सी वेक्टर, ए सी ये वेक्टर ए सी, और प्लस कर लिया वेक्टर सी डी, प्लस वेक्टर सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीसरा साइड ए डी, ये हो जाएगा वेक्टर ए डी, रिलेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर आप देखो, जो हमको प्रूफ करना है, जो हमको प्रूफ करना है उस लाइन को आप देखो, प्रूफ करने वाले लाइन में अपने को ए बी प्लस ए सी इक्वल टू टू ए डी चाहिए। तो यहाँ पर ये ए डी है, ये भी ए डी है। यदि रिलेशन फर्स्ट और रिलेशन सेकंड को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो दोनों को ऐड करने पर अपने को क्या मिल जाएगा,
2AD मिल जाएगा। तो दोनों को ऐड कर दिया जाए, फर्स्ट और सेकंड को। चलिए नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड करें तो यहां पर क्या है देखो, ए बी प्लस बी डी प्लस देखो ए सी प्लस सी डी और वहां पर ए डी एड होके हो जाएगा 2AD। दैट इंप्लाइज आगे देखो इसको, ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी, और ये हम सी डी को देखो, हम सी डी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये जो सी डी है सी डी को माइनस डी सी लिख सकते हैं, सी डी को हम माइनस डी सी लिख सकते हैं। यदि हम डायरेक्शन को चेंज कर दें तो माइनस डी सी लिख सकते हैं। इस तरह से देखो ये हो जाएगा माइनस डी सी, सी डी को माइनस डी सी लिख सकते हैं। ये सब रूल मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था, पिछले क्लास में मैंने सब ये बताया था आपको। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा ए बी प्लस बी डी, तो बी डी यहां पर देखो फिगर में, ये जो बी डी है ये और दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड में दोनों, परिमाण में दोनों बराबर हैं, तो ये तो हो गया बी डी और प्लस ए सी माइनस ये जो डी सी है, परिमाण में किसके बराबर है, ये बी डी के बराबर है, तो बी डी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2AD। अब यहाँ पर देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों ये बराबर हो गए। देयरफोर अब हमको मिल जाएगा ए बी प्लस ए सी, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लस 2AD, ये प्रूफ हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया देखो, दोनों ट्राइंगल में ट्राइंगल ला लगा दिया, एक बार ए बी डी में, एक बार ए सी डी में, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को सम कर दिया। चूंकि क्वेश्चन में दिया है कि मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया है कि ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो ये भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई के बराबर होगी, लेकिन दोनों का दिशा विपरीत है, इसको ऐसा लिख देंगे, माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। वैसे आज का जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल की तरफ जाते हैं, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो सिर्फ आपको सदिश योग के त्रिभुज नियम को, मतलब वेक्टर एडिशन ऑफ द ट्राइंगल, इस पर हमारा क्वेश्चन आज का बेस्ड है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन आप ध्यान से, किसी चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, किसी चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस DC इक्वल टू AC प्लस DB। AC एंड BD आर द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ABCD, देन प्रूव दैट AB प्लस DC इक्वल टू AC प्लस DB। तो सबसे पहले क्या करें हम इसके लिए, सबसे पहले हम इसके लिए बना लेते हैं एक त्रिभुज, ये सॉरी चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं सबसे पहले इसके लिए, ठीक है। तो कुछ भी साइज पर अपन, ये किसी भी आकृति का हो सकता है, ये इस तरह से मान लो हमने एक बना लिया। ये कलर थोड़ा सा देखने में परेशानी होती है क्या, ऐसा हमने कोई भी एक चतुर्भुज बना लिया। इसके बाद इस चतुर्भुज के हम क्या बना लेंगे, विकर्ण। इसके सपोज हम विकर्ण बना लेते हैं, तो एक विकर्ण ये हो जाएगा, दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा, इस तरह से थोड़ा सा उसको देख लेना आप। इसका हम नाम दे दें, ठीक है, चतुर्भुज का नाम दे दें, जिस तरह से बोला है ABCD एक चतुर्भुज है, तो ABCD साइक्लिक ऑर्डर में हम इसका नाम दे देते हैं, ABCD, ये हमने इसका नाम दे दिया। इसके बाद एक विकर्ण है क्या, AC है, प्रूफ करना है अपने को AB, तो डायरेक्शन को हम AB लगा देते हैं, AB प्लस DC, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपने ज़रूरत के हिसाब से लगा लेते हैं अपन ये, और अपने को AC भी चाहिए, इधर भी डायरेक्शन लगा लिया, और अपने को DB चाहिए, इधर भी डायरेक्शन लगा लिया। अब हमको प्रूफ करना है AB प्लस DC इक्वल टू AC प्लस DB, ये आप ध्यान रखिए। तो कभी भी सबसे पहले आपको क्या करना है, फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद जो प्रूफ करना है वो कौन कौन से त्रिभुज में आ सकता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो ये किस कौन कौन से त्रिभुज में आ सकता है, यहाँ पर हम देखें तो ये किस किस त्रिभुज में आएगा। सबसे पहले तो हमको AB चाहिए, तो ये है AB, तो हम ये त्रिभुज ले लेते हैं ABC, तो इन
ट्राइंगल ए बी सी इसमें ले लो और ए बी का वैल्यू निकालो, तो ए बी क्या हो जाएगा, ये ए बी, और ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी, ये आपको रूल से पता है, ट्राइंगल ला से क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ये हम लिख सकते हैं। ओके क्लियर। अब हमको क्या चाहिए, डी सी चाहिए, तो डी सी इस ट्राइंगल में है, कौन सा ट्राइंगल है ये, डी सी बी, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको ट्राइंगल आपको लगाना आना चाहिए। तो हमको चाहिए क्या, डी सी, ये हमने लिख लिया इन ट्राइंगल डी सी बी, डी सी बी यहाँ पर हमने लिख लिया क्या, डी सी, तो वेक्टर डी सी इक्वल, डी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, डी बी, डी बी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी, डी बी प्लस बी सी, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, कई बार बुक में बहुत लेंदी तरीके से राइटर्स को सॉल्व किए रहते हैं, मैं बिल्कुल उस तरीके से बता रहा हूँ कि बिल्कुल दो लाइन में आपको प्रूफ हो जाए, इसको लेंदी भी कर सकते हैं आप, दूसरे दूसरे ट्राइंगल में चले जाओगे तो बड़ा बड़ा रिलेशन बन जाता है। अब नेचुरली आप देख रहे हो कि हमने किस ट्रिक पर काम किया है, चूँकि हमको ज्ञात करना है क्या, चूँकि हमको ज्ञात करना ही है ए बी प्लस डी सी ज्ञात करना है, इसलिए हमने ए बी निकाल लिया और डी सी निकाल लिया। अब नेचुरली आप समझ सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड को यदि हम जोड़ दें, दोनों को ऐड कर दें, तो बायां पक्ष तो अपने को मिल जाएगा और दाहिना पक्ष फिर अपने आप मिल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, ठीक है। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें तो देखो यहां से लेफ्ट साइड में मिलेगा ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी इक्वल, लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, ए सी प्लस सी बी, उसको पहले लिख लूं मैं, ए सी प्लस सी बी प्लस दूसरे रिलेशन में क्या, सॉरी दूसरे रिलेशन में क्या है, देखो डी बी प्लस डी सी, डी बी प्लस डी सी, डी बी प्लस डी सी, दैट इम्प्लाइज आगे हम इसको सॉल्व करें तो ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी प्लस, ये है डी बी, एक मिनट कुछ गलत लिख लिया क्या मैंने, डी बी प्लस बी सी, डी बी प्लस बी सी, डी बी प्लस बी सी है वो, सॉरी डी बी प्लस बी सी, डी बी प्लस बी सी। अब यहां पर आप देखो कि ए सी प्लस सी बी प्लस, इसको तो मैं डी बी लिख दिया, और बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम लिखना चाहें तो बी सी को माइनस लिख सकते हैं क्या, सी बी, ये वेक्टर की प्रॉपर्टी, मैंने बताया था आपको कि ए बी इक्वल टू माइनस बी ए होता है, सब प्रॉपर्टी मैं प्रीवियस क्लास में बताया हूँ। जैसे कोई भी स्टूडेंट यदि मेरा क्लास देख रहा होगा और उसको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर ये कैसे लिख दे रहे हैं क्या है, तो उनको मेरा सजेशन है कि अभी केवल एक पार्ट हुआ है, अभी केवल एक पार्ट हुआ है, पहला पार्ट जिसमें मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था वो आप अच्छे से कर लो, पूरे रूल्स मैंने बता दिया, मेरा हैबिट है कि पहले पार्ट में मैं सबसे पहले उसको रूल्स ही बताता हूँ, फिर कहीं जाके क्वेश्चन कराता हूँ, इसलिए आप सब उसको अच्छे से देख लो, बीच में अचानक इसको देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, सी बी, इस सी बी के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस डी सी इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा है, ए सी, और ये बचेगा, तो आप पीछे देखो, ये हमको प्रूफ करना है, ए सी प्लस डी सी इक्वल टू ए बी प्लस डी बी, ए सी प्लस डी बी, ये हो गया प्रूफ। ओके, तो ट्राइंगल लॉ से ये प्रूफ हो गया, ट्राइंगल लॉ से हम बहुत आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो आप देखो किसी भी क्वेश्चन में आप एक बात देख रहे होगे कि हर क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपने 10th क्लास में थेल्स थ्योरम के रूप में पढ़ा होगा, थेल्स प्रमेय के रूप में इस क्वेश्चन को थेल्स थ्योरम में पढ़ा होगा। देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। ये हमको प्रूफ करना है, तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है, किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु से। तो ये थेल्स थ्योरम है जिसको आपने पढ़ा है मुझे मालूम है 10th क्लास में। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से, ये सपोज हम एक त्रिभुज बना लिए और ये एक त्रिभुज है ए बी सी, मान लो हमारे पास ये एक त्रिभुज है क्या
एबीसी, और इस त्रिभुज में हम क्या किए, दो मध्य बिंदु ले लिए, एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट क्यू ले लिया, ए पी और क्यू, और दोनों बिंदु को हमने ये मिला दिया, ये इसका मिड पॉइंट है। मतलब यहाँ पर आप देखो, यदि हम यहाँ पर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए बी ए पी, ए पी इक्वल टू क्या है, ए बी बाई टू, सदिश नहीं लगा रहा हूँ, परिमाण में है, और उसी तरह से ए क्यू बराबर, उसी तरह से क्या है, ए क्यू, चूँकि ये मध्य बिंदु है तो क्या है अपने पास, ए सी बटे दो, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। अब हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये जो पी क्यू लाइन है, हमको प्रूफ करना है, उसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हमको प्रूफ, हम उसको लिखने की जरूरत नहीं, समझ गए, ये जो पी क्यू लाइन है वह क्यू सी लाइन के पैरेलल है, ये हमको प्रूफ करना है। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है वह इसके समानांतर है, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, चलिए ठीक है, तो बड़ा ट्राइंगल पहले लेते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल, कौन सा बड़ा वाला ट्राइंगल, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान समझना। तो इस ट्राइंगल ए बी सी में हमने यहाँ से स्टार्ट किया, बी ए प्लस ए सी, इसमें हमने ले लिया बी ए प्लस ए सी इक्वल, बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, ये बी सी को सेपरेट इसलिए रखा क्योंकि हमको ये बी सी के साथ ही क्या है, पी क्यू का रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो बी ए इक्वल टू लिख सकते हैं, बी ए प्लस ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, बी सी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो, चूंकि ये मध्य बिंदु है, चूंकि ये मध्य बिंदु है तो इसका हाफ, ये जो ए बी है इसको बी ए भी लिख सकते हैं ना, ये ए बी है उसको बी ए भी लिख सकते हैं। तो बट अपने को पता है कि यदि हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना, बी ए वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, तो बी ए अपॉन टू ए पी इक्वल टू लिखूं मैं सीधा, लिखने के तरीके को थोड़ा आसान करूं ताकि आपको कंफ्यूजन मत हो। चलो देखो, इसको मैं लिख दिया ए पी, वेक्टर ए पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, बी ए अपॉन टू, यहां पर मैंने ए बी अपॉन टू लिखा है तो केवल परिमाण में लिखा है, तो चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका आधा परिमाण में है। कोई भी चीज किसी का आधा दिशा में नहीं होता, दिशा को हम नहीं बांट सकते, वो आधा होता है केवल परिमाण में। तो इसको ए बी बी ए दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही, लेकिन मैं बी ए क्यों लिखा हूं, क्योंकि इस फार्मूला में मेरे को बी ए पुटअप करना है। उसी प्रकार से हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो ए सी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये यहां पर पी ए लिखे हैं अपन, ठीक है, पी ए, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, ए क्यू, इस डायरेक्शन में जाना है अपने को, इसलिए तो ए क्यू, थोड़ा सा नाम को लिखने में सावधानी रखना है, तो ए क्यू, ए क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे दो, वेक्टर ए सी अपॉन टू, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, दैट इंप्लाइज, इस बात को मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या लिख सकते हैं अपन, बी ए इक्वल टू 2AP, 2 को ट्रांसफर कर दिया तो, और दैट इंप्लाइज इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू 2AQ, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम क्या करें, ये जो वैल्यू उसको यहाँ पर पुटअप कर दें, मतलब ये जो AP, BA का जो वैल्यू हमने निकाला है उसको यहाँ पर, और AC का जो वैल्यू निकाला है उसको यहाँ पर, इसको दे दो रिलेशन नंबर फर्स्ट। तो इसलिए एक से यदि हम इस मान को एक में पुट अप कर दें तो बी ए के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2AP लिख सकते हैं, प्लस ए सी के जगह में क्या लिख सकते हैं अपन, 2AQ इक्वल, और बी सी तो है वो बी सी ही रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। क्या किया हमने, बी ए का मान निकाला उसको बी ए के जगह में रखा 2AP, ए सी का मान निकाला यहाँ 2AQ उसको यहाँ पर रख दिया। अब हम 2 को इधर से कॉमन करके राइट साइड में उसके साथ में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पेज में हम लिखें ट्रांसफर करके, देयरफॉर क्या है ये, ए पी प्लस ए क्यू, ए पी प्लस ए क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा बी सी अपॉन टू,
बी सी अपॉइंट टू। बहुत आसान तरीके से प्रूफ कर रहा हूँ मैं इसको, चार लाइन में। इसका प्रूफ बहुत लेंदी है, इसका प्रूफ बहुत ही लेंदी है, लेकिन उसको मैं टेक्निक से एडजस्टमेंट करके बहुत कम स्टेप में आपको बता रहा हूँ। तो बी सी अपॉइंट टू हो गया। अब इस ट्राइंगल में आप देखो ए पी, ये क्या है, ए पी प्लस ए क्यू। ए पी प्लस ए क्यू किसके बराबर होगा, या पी ए लिख सकते हैं अपन इसको, पी ए प्लस ए क्यू ही लिखा है मैंने, एक मिनट, पी ए प्लस ए क्यू होता तो ज़्यादा अच्छा है। पी ए डायरेक्शन को अपने को थोड़ा सा केयर करना है, तो पी ए प्लस ए क्यू को हम लिख सकते हैं पी क्यू, तो ज़्यादा आसान होगा। चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सुधार कर रहा हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड में आप कुछ भी लिख सकते हो। ए पी जो मैंने लिखा है इसको मैं पी ए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दिशा का कोई बात नहीं है, आप उसको बदल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हाफ हम बोल रहे हैं, जिसको पी ए कर रहा हूँ मैं। जब ए पी बट ए पी जो उसका हाफ होगा तो पी ए का भी होगा, जब ए पी का होगा तो पी ए का भी होगा। पी ए हो गया, और यहाँ पर मैं क्यों किया हूँ अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट एक लाइन में हो जाएगा ये। अब यहाँ पर इसको भी मैं कर दिया क्या, टू पी ए। क्या फ़ायदा हो रहा है आप समझ रहे होंगे, ये मैं करूँगा पी ए प्लस ए क्यू, जिसको मैं क्या लिख दूंगा, पी क्यू लिख दूंगा। तो यहाँ पर तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ए पी को पी ए कर दिया तो माइनस क्यों नहीं हुआ। माइनस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड को हाफ कर रहे हैं उसका, डायरेक्शन तो हम कैसा भी लिख सकते हैं, केवल परिमाण को आधा करने की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर देखो ये पी ए प्लस ए क्यू, ये यहाँ फिगर में ध्यान से देखना, पी ए प्लस ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो देखो इसको पी ए करना है ना, यहीं पर तो फिर मैं सोचा था इसको पी ए करना है, पी ए प्लस ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन टू। ये देखो आप, ये देखो, ये हमने लिख लिया पी क्यू अपॉन टू। अब इससे क्या पता चलता है, देखो जब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट पहले का बता दूं, कि मैंने आपको बताया था कि सपोज वेक्टर ए इक्वल टू टी बी हो, मतलब कोई सदिश यदि किसी दूसरे सदिश के गुणांक के रूप में लिखा जाए तब हम उसको ए पैरेलल क्या कहते हैं, बी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रिलेशन है वो रिलेशन किस तरह से अपने को मिला है, कि पी क्यू जो है वह वन अपॉइन टू, इसको और ऐसा लिख दूं मैं तो पी क्यू इक्वल टू वन अपॉइन टू क्या हो गया, बी सी। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू जो है वह समांतर है किसके, बी सी के। ओके तो यहां पर देखो पी क्यू जो है यह पी क्यू वो बी सी के समांतर हो गया, और क्वेश्चन में यही हमको पूछा है कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, तो ये तीसरी भुजा हो गया इसके समांतर हो गया, और उसकी आधी होती है, और उसकी आधी होती है तो देखो उसकी क्या हो गई, ये आधी भी हो गई। क्लियर, तो ये प्रूफ हो गया, ये थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया। इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो तीसरी भुजा है ये थेल्स थ्योरम है सीधा। तो प्रूफ करने के स्टेप को एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान सुना, बहुत कम स्टेप में मैंने प्रूफ कर दिया है इसको। सबसे पहले ये यहाँ न लिखो तो भी चलेगा, जहाँ ज़रूरत है वहीं पर आप लिखो, इसको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप वहीं पर लिख सकते हो जहाँ पर आपकी इसकी आवश्यकता है। सुनो, सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ए बी सी, इसके बाद ए पी में मिड पॉइंट ले लिया पी, और ए सी में मिड पॉइंट ले लिया क्यू। अब हमने ले लिया ये बड़े वाले ट्राइंगल को ए बी सी को, ए बी सी ट्राइंगल में बी ए प्लस ए सी, ये बी ए प्लस ए सी, बी ए प्लस ए सी इक्वल टू हमने क्या ले लिया, बी सी। इसके बाद हमको मालूम है कि ये जो पी ए है वो क्या है, इसका आधा है, किसका, बी ए का। पी ए आधा है बी ए का, तो पी ए को हमने बी ए का हाफ कर दिया, और हमने टू को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो बी ए बराबर निकल गया क्या, टू पी ए। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो ए क्यू जो है वह किसका, ए सी का हाफ है, तो ए क्यू को हम ए सी का हाफ लिए और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ए सी इक्वल टू टू ए क्यू निकल गया। अब यहाँ पर x से,
ये जो इक्वेशन एक वन है इसमें बी ए का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, ए सी का वैल्यू पुट कर दिया, और ये करने के बाद आप देखो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया यहाँ, सॉरी यहाँ से, तो ट्राइंगल से इसका जो वैल्यू है पी क्यू के बराबर है, और इस प्रकार से चूंकि यह इसके हाफ है तो इस कॉन्सेप्ट से ये दोनों समांतर हो गए और परिमाण में उसका आधा हो गया। तो एक चीज़ आप महसूस कर रहे होंगे यहाँ पर कि आपने टेंथ क्लास में थेल्स थ्योरम को जैसे प्रूफ किया था उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसेस, मतलब वो ज्यामिति विधि से आपने किया था, तो ज्यामिति विधि से प्रमेय को प्रूफ करना कठिन था। यदि आपको टेंथ का याद होगा तो याद आ रहा होगा कि ज्यामिति विधि से वो कठिन था, और यहाँ पर ये सदिश विधि से बहुत आसान हो गया। तो वास्तव में ज्यामिति के जो थ्योरम हैं, आगे तो भी हमको बहुत सारे प्रूफ करने हैं, तो ज्यामिति के जो थ्योरम हैं वो वेक्टर की सहायता से ज़्यादा आसानी से प्रूफ हो जाते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ज्यामिति के प्रमेय को, उसके जो थ्योरम्स हैं, ज्यामिति के जो थ्योरम्स हैं उसको हम वेक्टर मेथड से प्रूफ कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन पोजिशन वैक्टर पर बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यदि बिंदुओं ए बी सी तथा डी के स्थिति सदिश क्रमशः 2a, 3b, 4a, माइनस 5b और a प्लस 2b हैं, ये कॉमन है ना, और ए सी बी डी बी सी और ए डी को a तथा b के पदों में लिखिए, उसके पोजिशन वेक्टर दिया है और उसको क्या करना है अपने उसको पदों में लिखना है। एक बार चेक कर लूँ क्वेश्चन में, यदि बिंदुओं a b तथा क्रमशः 2a, 3b, 4a माइनस 5b और a प्लस 2b के रूप में लिखे हैं तो इसका वैल्यू फाइंड करो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आप देखो क्या है, ये स्थिति सदिश है। इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स a b c एंड d आर दिस देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a c b d b c d a। तो मैंने आपको पोजिशन वेक्टर का फार्मूला बताया था, आपको याद होगा। एक बार मैं आपको फार्मूला रिपीट करा दूँ उसके बाद फिर मैं आपको बताना स्टार्ट करूँ। आपको मैंने फार्मूला बताया था कि ए बी इक्वल टू होता है पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पर देखो हमको सबसे पहले जिसका जिसका पोजिशन वेक्टर दिया है उसको हम लिख, या इसको हम किस रूप में लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ओ बी माइनस ओ ए, इस रूप में भी हम लिखते हैं ए बी को, ये पोजिशन वेक्टर में लिखने का तरीका है। तो हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो क्वेश्चन में हमको गिवन है इसके सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए बी तथा सी के स्थिति सदिश, तो 2a किसका है उसको हम लिख लेंगे ओ ए, ए के स्थिति सदिश को क्या क्या लिखेंगे हम 2a लिखेंगे, बी का स्थिति सदिश को हम ओ बी जो कि क्या दिया हुआ है 3b दिया हुआ है ये लिख लिया। इसके बाद सी का स्थिति सदिश जिसको हम ओ सी लिखेंगे तो ओ सी का वैल्यू ये दिया हुआ है 4a माइनस 5b, और लास्ट में दिया है किसका ओ डी, ओ डी का स्थिति सदिश को दिया हुआ है a प्लस 2b, ओके a प्लस 2b, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब इसकी सहायता से हमको ए बी बी सी डी सी और डी ए को निकालना है। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, क्या क्या निकालने बोला है, सबसे पहले ए सी निकालने बोला है, सॉरी ए सी निकाल लेते हैं। चलिए तो ए सी निकाल लेते हैं फर्स्ट, ए सी तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए, पोजिशन वेक्टर के फार्मूला से ए सी इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए होगा। तो ओ सी का वैल्यू क्या है अपने पास 4a माइनस 5b, 4a माइनस 5b और माइनस ओ ए, तो ओ ए का वैल्यू क्या है देखो ओ ए इक्वल टू 2a है, ये हो गया 2a। अब इसको सॉल्व करो, 4a में 2a माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 2a और माइनस 5b, ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर फर्स्ट। ओके, तो इस तरीके से निकालेंगे, बहुत आसान है, पोजिशन वेक्टर निकालने की प्रैक्टिस है बस इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमको क्या पूछा है, दूसरा नंबर में क्वेश्चन पूछा है बी डी, बी डी तो बी डी निकालना है तो क्या हो जाएगा ये ओ डी, बाद वाले पहले लिखते हैं माइनस ओ बी, ओ डी माइनस ओ बी, तो ओ डी का वैल्यू देखो क्या है ओ डी ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी और माइनस ओ बी, ओ बी का वैल्यू क्या है 3b माइनस 3b, ये हो गया दैट इक्वल a तो a होगा और 2b में माइनस 3b होगा तो माइनस b, ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। क्लियर, नाउ नेक्स्ट अब क्या निकालने बोला है bc। अब आप समझ सकते हैं बहुत आसान है, तीसरा हमको निकालना है क्या bc, तो bc इक्वल टू क्या होगा oc माइनस ob,
ये जो शुरू शुरू के चैप्टर की प्रैक्टिस है वो आपका बेसिक को क्लियर करने के लिए है, क्योंकि इन चीज़ों को आप नहीं समझोगे तो वेक्टर में आपको बहुत पढ़ाई करना है अभी, इसलिए सब शुरुआत में आपको पढ़ना जरूरी है। ओ सी का वैल्यू 4a माइनस 5b और माइनस ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है क्या 3b माइनस 3b, दैट इक्वल ये हो जाएगा 4a और -5b -3b -8b, ये आंसर नंबर थर्ड। इसके बाद हमको क्या निकालने बोला है, देखो BC निकल गया, अब निकालना है DA इक्वल टू क्या हो जाएगा OA माइनस OD, दैट इक्वल OA का वैल्यू कितना है 2A, इसका वैल्यू 2A दिया है और माइनस OD का वैल्यू क्या दिया है अपने को A प्लस 2B, इसको हम सॉल्व करें तो 2A में A माइनस होगा तो A हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा ये 2B, ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। ओके, तो इस तरीके से निकलेगा। एक बार आंसर अपन देख लें क्या क्या है, NCERT का क्वेश्चन है ये, 2A माइनस 5B, ओके, A माइनस B, 4A माइनस 8B एंड A माइनस 2B, ओके। तो ये क्या है हमारा सॉल्यूशन इसका। अब आप देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इस फार्मूला को यूज़ करना है। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको आज मैंने पढ़ाया, जितना क्वेश्चन मैंने आज आपको बताया, वो वेक्टर एडिशन पर सब तरह के क्वेश्चन थे, और वेक्टर एडिशन के साथ साथ क्या थे, वो पोजिशन वेक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन और आप अपने बुक से आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से ज्योमेट्री के जितने थ्योरम हैं सभी प्रूफ हो जाते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे इसका, इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, खंड सूत्र। तो अगला हमारा जो क्लास होगा वो खंड सूत्र पर आधारित होगा, सेक्शन फार्मूला पर आधारित होगा। उस क्लास में हम पूरा फंडामेंटल के साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैथ्स का क्लास अभी हमने कंटिन्यूअस स्टार्ट किया है, आप लोगों का मैथ्स का क्लास के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर मैथ्स का क्लास स्टार्ट कीजिए। एक्चुअल में कंटिन्यूअस ही रहता, लेकिन एग्ज़ाम सब डिस्टर्ब हुए, पूरे स्टेट बोर्ड के CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, तो उस समय फिर पढ़ाई पूरी रुक सी गई, अब फिर वो नए तरीके से चल रहा है। तो जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स अब पढ़ रहे हैं हमारे साथ, जो इस साल 12th क्लास में हैं, उन लोग यहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू करिए, और पीछे के अपलोड हमारे वीडियोस हैं वो भी आप देखते रहिए, जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस को 9 चैप्टर तक कंप्लीट कराया जा चुका है। ये 10th नंबर का चैप्टर है और आगे ये पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। ओके, थैंक यू।